किया ने सेल्टॉस को नए फीचर्स के साथ अपडेट किया। जहां पर जो बड़ा सबसे बड़ा अपडेट इस गाड़ी को मिला वो था अडास। इस गाड़ी के अंदर अडास लेवल 2 के 17 फीचर कंपनी ने ऐड किए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको एक अडास का छोटा सा टेस्ट करके बताने वाला हूं किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये गाड़ी आपको सेफ्टी ऑफर करती है। मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन और आज के इस छोटे से वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं किया सेल्टॉस का अडास फीचर। तो सबसे पहली बात, आप देख सकते हो हम ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हुए हैं, आगे हमारे गाड़ी है ये आप देख सकते हो। अब इस गाड़ी के अंदर पार्किंग सेंसर्स आते हैं फ्रंट में भी और रियर में भी। फिलहाल मैंने गाड़ी न्यूट्रल पे की हुई है तो इसलिए कोई भी साउंड नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही मैं इस गाड़ी को ड्राइव पर डालता हूं तो फ्रंट वाला पार्किंग सेंसर जो है वो एक्टिवेट हो गया और वो हमें आगे वाली गाड़ी को रीड करके ये बता रहा है कि आगे व्हीकल है, फॉरवर्ड करते समय ध्यान रखिए। हालांकि आप देखें गाड़ी निकल गई है जिसकी वजह से ये पार्किंग सेंसर का साउंड आना बंद हो गया है। और सेफ्टी के अंदर 360 व्यू कैमरा था, इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। जैसे ही मैंने राइट का टर्न इंडिकेटर ऑन किया तो मेरे डिस्प्ले पर मुझे राइट से व्यू मिल रहा है कि मेरे बराबर से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो ये सारे फीचर हैं जो कि इस गाड़ी के अंदर ऐड किए हैं किया ने, जो कि सेफ्टी को काफी इनहेंस करते हैं। प्लस गाड़ी के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम आता है, दोनों ही मिरर्स के ऊपर आपको इंडिकेशन आएगा। जैसे कि अभी हमारे उस तरफ गाड़ी है तो उसका इंडिकेशन हमें वहां पर मिरर पर देखने को मिल रहा था। तो इस तरह के फीचर तो मिलते ही है। मेन फीचर है एडास का जो कि फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एमरजेंसी ब्रेकिंग आपको ऑफर करता है। इसके अलावा एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको मिलता है। तो क्रूज कंट्रोल लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि गाड़ी कैसे से आगे वाली गाड़ी के हिसाब से ब्रेक लगाएगी। मैं क्रूज ऑन कर देता हूं, यहां पे मैंने क्रूज को ऑन कर दिया है और गाड़ी ने एक्सेप्ट कर लिया। अब हमारी गाड़ी जो है वो कर रही है। मैंने रेस से पैर हटा लिया है, सेफ्टी पर्पस के लिए मैं ब्रेक के ऊपर पैर रखता हूं लेकिन मैं प्रेस नहीं करूंगा। मैं गाड़ी को इसके अडास फीचर्स के तौर पर चलने दूंगा, अडास के बेसिस पे गाड़ी जो है वो कुछ स्पीड कम ज्यादा करेगी। इसके अलावा लेन असिस्ट भी आपको मिलता है, तो यहाँ पर आपको स्टीयरिंग पर बटन मिल जाता है, इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो लेन असिस्ट ऑन हो जाएगा। अभी गाड़ी जो है वो रीड करेगी खुद से दोनों ही साइड की लेंस को, और अगर आप देखोगे तो स्टीयरिंग जो है वो खुद से एडजस्ट होता हुआ आपको नजर आएगा इस तरह से। अब सामने रेड लाइट है, गाड़ियां रुक रही हैं, स्लो हो रही हैं, मेरी गाड़ी भी खुद से ब्रेक लगा रही है, मैंने अभी तक ब्रेक पैडल को प्रेस नहीं किया है। तो इस तरह का फीचर आपको एडास वाला इस सेगमेंट में काफी सारी गाड़ियां ऑफर करती हैं, लेकिन इस गाड़ी में ये काम कैसा कर रहा है यदि उसकी बात करें तो अभी दिन के समय में ये गाड़ी जो है वो काफी अच्छे से एडास फीचर्स आपको ऑफर कर रही है, काफी अच्छे से काम कर रहा है, चाहे वो लेन असिस्ट वाला फीचर हो या फिर अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल वाला फीचर हो। तो अभी तो काफी बढ़िया काम कर रहा है। किस तरह से एक्टिवेट करना है अगर उसकी बात करूँ तो सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही मिल जाते हैं, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इस सेगमेंट में ही MG Aster आती है जिसके अंदर एडास फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन उसके एडास को ऑन करने के लिए आपको कंट्रोल जो है वो नीचे मिलते हैं और वो थोड़ा सा उतना इजी टू यूज नहीं हो पाता जितना कि आपको इसमें मिल जाता है। सिर्फ स्टीयरिंग पे आपको इन बटन्स का इस्तेमाल करना और आप एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एडास फीचर्स के अंदर ढेरों फीचर हैं जहां पर आपको सेफ्टी के हिसाब से अगर देखें। अभी एक चीज और, जैसे कि हमारे आगे बाइक आई है, अचानक से बाइक आई तो बाइक को गाड़ी ने रीड किया और खुद से जो है वो ब्रेक लगाए। तो सेफ्टी के हिसाब से अडास फीचर्स काफी अच्छे हैं। जो लोग डेली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, लॉन्ग राइड्स करते हैं अपनी गाड़ी के साथ में, उनके लिए अडास फीचर्स काफी हेल्पफुल हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम लॉन्ग राइड्स वगैरह कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, कई बार हम स्टीयरिंग को कंट्रोल करना भूल जाते हैं या फिर हम उतना ध्यान नहीं रख पाते कि हमारे साइड से अचानक से कोई गाड़ी आ गई है, जो कि ये सेंसर्स रखते हैं। और सेम चीज अगर आपके आगे किसी गाड़ी ने पैनिक ब्रेकिंग की तो हो सकता है आप उतनी जल्दी रिएक्ट ना कर पाए और आप उतनी जल्दी ब्रेक ना कर पाए, लेकिन गाड़ी सेंसर की हेल्प से वो चीज कर लेती है जिसकी वजह से आपको ये गाड़ी सेफ्टी ऑफर करती है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, जब से इंडिया में एडास फीचर्स आए हैं स्पेशली महिंद्रा XUV 700 की, काफी सारी आपने वीडियो देखी होंगी कि लोग स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दिया है, लोगों ने ऊपर बैठ गए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, गाड़ी को चलने दे रहे हैं, इस तरह की हरकतें भी ना करें, क्योंकि सेंसर अगर जरा भी इधर उधर हुआ तो ये आप ही के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर सेंसर नहीं रीड कर पाया आगे वाले व्हीकल को, आगे बाइक को या फिर डिवाइडर वगैरह को, तो आपके साथ दुर्घटना भी हो सकती है। तो अगर आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो याद बंद कर दें, सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए।
बाकी किया सेल्टॉस का ये एडास फीचर आपको कैसे लगा बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और फॉलो करना।